हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आई नो हमारी जो वीडियो है इस चैनल पर ऑल्टरनेट डेज आ रही है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही है, बिकॉज मैं इस टाइम पे हूँ लद्दाख में और मैं फुल ऑन मजे कर रहा हूँ भाई। तो मेरी सीरीज को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा दानिश जर्नी चैनल को, जिसका लिंक मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नाम आ रहा है स्क्रीन पे। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे मिलेगी आपको बढ़िया वाली अपडेट कि मैं कहां पर हूँ, क्या कर रहा हूँ और कौन कौन सी रील अपडेट कर चुका हूँ। तो सारी जानकारी के लिए आप मुझे फटाफट से फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे एंड सब्सक्राइब करें मेरे न्यू चैनल को दानिश जर्नी। वीडियो में आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ हीरो स्प्लेंडर के अंदर कुछ चीजें हमने ऐसी लगाई है बढ़िया वाली, जिसको देख के आपका मन मोहित हो जाएगा। मोहित भाई बोलेगा फटाफट चलो गोरखधाम पे काम कराने के लिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ बाइक के अंदर हमने क्या क्या एक्सेसरी लगाई हैं और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे लगाई हैं। तो दोस्तों ये रहने वाली हीरो स्प्लेंडर देख सकते हैं, यूपी 13 नंबर है। बट भाई आए कहाँ से? भाई लक्ष्मी नगर से भाई आए, यूपी नंबर गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई आए हमारे पास लक्ष्मी नगर से। एंड अगर बात करें बाइक के अंदर काम क्या हुआ है, तो वैसे आपको बाइक देख के लगने जाओगे काम इसमें हुआ है, बट इसके अंदर एक्चुअल में काम हुआ है और काफी टेस्टफुली काम हुआ है। तो काम दिखाने से पहले भैया का फीडबैक लो, भैया कैसा काम हुआ है? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है, मतलब इतनी दूर से आप आए लक्ष्मी नगर से, आना वसूल हो गया? बिल्कुल वसूल हो गया। और जो चार्ज कर रहा है गौरव, मतलब जो आपने इसके सामान के जो पैसे वैसे जो भी बताए, जनरल प्राइस है? कोई तार तो नहीं काटी आपकी? सब बढ़िया से हो गया? चलो ठीक है, तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे काम की तरफ। तो फिलहाल जो है ना, ये हेडलाइट की जो ग्रिल है फ्रंट की हेडलाइट की, इंडिकेटर की, एंड वहाँ पीछे दोनों इंडिकेटर पे ग्रिल आ गई। तो बेसिकली ग्रिल सेट इसमें आ गया, चारों इंडिकेटर नेट इसमें डाले, ठीक है। और इंडिकेटर के साथ जो बल्ब आते हैं ना हमारे 360 वाले, वो भी इसमें ऐड ऑन हुए। साथ में इसके अंदर जो बल्ब आए मैं आपको बता देता हूँ, तो चाबी ऑन रखिए। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे मेन चीज़ ये है कि हीरो स्प्लेंडर जितनी भी आ रही है आज के टाइम में, किसी में भी ये वाला कंट्रोल स्विच नहीं आ रहा। कंपनी जो है कॉस्ट कटिंग के लिए ये वाला जो बटन है और ये पासिंग वाला बटन है नहीं दे रही, सिर्फ आपको यहाँ पे दे रही है हाई लो के लिए। यही होता है, इससे पहले वाला जो कंट्रोल स्विच था उसमें भी आई गेस ऐसे सिस्टम था ना, उसमें नहीं था ना। तो अभी क्या है कि ये वाला जो कंट्रोल स्विच हमने लगाया मिंडा का, ये बेसिकली क्या होता है यूनो मिंडा का रहने वाला है कंट्रोल स्विच। इसमें क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको बताता हूँ। पहले आप यहाँ पार्किंग पे डालेंगे तो आपके मीटर के जो बल्ब देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑन हो जाते हैं दोस्तों। देखो है बड़े तरीके से ये ऑन हो गए, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ना काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहो तो ब्लिंकर ले सकते हो, आप चाहो रेड ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, येलो ले सकते हो, और ग्रीन जो भी होते हैं, मतलब कलर हमको सारे मिल जाते हैं हमारे पास, कलर मल्टी कलर मिल जाते हैं। तो अभी फिलहाल भैया ने वाइट लगवाए। एंड अगर बात करें पार्किंग में, तो यहाँ देखो यहाँ पे ब्लू मिलेगा आपको, देख सकते हैं ओशियन ब्लू कलर रहने वाला, बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब बात करें यहाँ से, देखो ट्राई करो, ये देखो यहाँ पे आ गई लाइट। तो ये LED बल्ब कौन सा रहने वाला है गौरव? ये भाई HJG रहने वाला है। HJG का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, मारना थ्रो जरा, क्या बात है जी, बढ़िया रिस्पॉन्स है भाई, जो बात है। तो फिलहाल ये HJG का बल्ब रहने वाला है। तो बेसिकली क्या सीन है देखो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे है पासिंग का स्विच। जैसे आप कभी जा रहे हो, आगे आपकी बाइक चल रही है, कार चल रही है, आपको उसको ओवरटेक करना है, तो आपने ये वाले बटन पे हाथ रखे और ये दो तीन बार से ऐसे दोगे ना, तो आगे वाले बंदे को, चाहे वो कार वाला हो चाहे बाइक वाला, उसको पता चल जाएगा कि भाई पीछे वाला जो बंदा है उसको साइड चाहिए, उसे निकलने दो आगे, तो वो आपको साइड दे देगा। इसी वजह से पासिंग स्विच बोलते हैं कि आप किसी बंदे को पास करके जाओगे अपने वाले को, इसलिए पासिंग स्विच बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ गया, साथ में हमने इसमें हैजार्ड फ्लैशर ऐड ऑन किया है, तो उसकी वजह से फंक्शन देखो कितना प्यारा पैटर्न है। देखो दोस्तों तो काफ़ी प्यारा जो है ये पैटर्न रहने वाला है दोस्तों, और बहुत अच्छा रहने वाला है हिसाब किताब इसका, देख सकते हैं आप। और ऐसा नहीं है ग्रिल सेट लगाने के बाद आपकी, ऐसा नहीं है ग्रिल सेट लगाने के बाद आपकी जो है इंडिकेटर की विजिबिलिटी कम हो जाएगी, विजिबिलिटी आपके सामने देखो। और ये नए वाले आ गए एरो वाले, ये देखो क्या प्यारे जल रहे, जो बात है। और यहाँ ब्लू चेक का मारो, ठीक है। ऐसे में आपको पीछे वाला दिखाता हूँ, हाँ इसमें दब जाती रोशनी, बाकी इसमें एरो दे रखा है, इसमें खुला भी है, इसमें जो है ना अच्छा खासा तकड़ा दिखाई दे रहा है। कैसे चल रहे हैं भैया? बढ़िया चल रहे ना, चलो सही है जी। और इसके अंदर हमने ना यहाँ पे लगाया जाली वाला कवर। बेसिकली गर्मियों के अंदर ना भाई ये वाला कवर तो मैं बोलूंगा मस्ट है यार, लगवाना मस्ट, मतलब मस्ट तो है दिखने में, बस मस्ट मतलब जरूरी है कवर लगाना, क्योंकि जब आप बैठते हो तो आपकी जो वो होती है तशरीफ, उस पर हवा लगती है ठंडी ठंडी, ऐसी बात है ना भैया तो गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल फील होगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये लगवा लेना जरूर से, बट जब भी बाइक धुलवाओ तो अच्छे से पहले साफ करना, क्योंकि मट्टी बैठ जाती है इसमें, ये डिसएडवांटेज है बस, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी हवा पूरी आती है, और बाकी टाइम से चेंज करा लो वरना इसकी स्प्रिंग बैठ जाती है, कुछ ऐसा होता है। तो यही काम हुआ है इसके अंदर, बहुत ही मिनिमम सा बहुत टेस्टफुली काम हुआ है गौरव, यही काम हुआ है ना बस, चलो सही है। एंड दोस्तों अगर बात करें, इधर रेडर रखी है हमारे पास, देख सकते हैं आप। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट और स्मोक टेप का जो है ना यहाँ पे हम जो है रैपिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखो ये वाला टैंक का जो पीछे हमने कर दिया टेप, तो ये वाला जो टैंक का पीसेस पे हमने टेप कर दिया, देख सकते हैं आप, वो बहुत ही अच्छी टेप है, मतलब बबल फ्री रहने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से क्या, ये लोग क्लोज से देखो, कहीं से भी आप फिनिशिंग बताओ कि अनइवन है, देख रहे हो बातचीत है, ओके रिपोर्ट है,
एकदम ओके की रिपोर्ट में आ रही है बातचीत यहाँ पे एकदम कैडी वाली, मतलब कि कहीं से कहीं तक देखो ये एड्रेस चेक करो यार आप दो। आप भी बोलोगे यार दानिश भाई बहुत डिटेल में दिखा रहे हो आप, तो ये डिटेल में से दिखा रहा ताकि आप लोगों की ना आंखें खुलें और आप काम को समझो कि हाँ भाई काम हो किस लेवल का रहा है, ठीक है ना। तो कहीं पे भी ना आपको एक सिंगल बबल दिखने वाला नहीं है, ठीक है। और टैंक पैड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना टैंक पैड लगाने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे नहीं लगवा रखा था, इस चक्कर से कोई पेंट हट गया और घिस गई प्लास्टिक। अभी इसमें हम टैंक पैड लगा देंगे ना तो ये पेंट नहीं खराब होगा, ये गलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है डिसएडवांटेज अगर आप टैंक पैड नहीं लगवाते हो तो नीचे वाला, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी ये तो प्लास्टिक का, अगर सोचो लोहे का होता ना तो गल गया होता अब तक, जिस तरह से इसकी हालत दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप ये टैंक का जो श्राउड है ये देखो भाई ने कर दिया टेप बड़े तरीके से, बबल फ्री रहने वाला, ऊपर की लेयर उतारेगा ना मेरे को बताइए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर क्या है कि ये वाला पीस जो है कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल मैं आपको देखो यहाँ पे दिखाया था डेमो, तो यहाँ पे आप क्लैरिटी चेक मारो ये देखो जी। और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना ये कुछ टाइम बाद लाइनें जो है चली जाती है, ठीक है। मैं आपको क्लियर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये ना बोलो कि भाई ये क्या चीज़ है, ये देखो देखो भाई साहब एकदम मिरर वाला जो है फील आएगा यहाँ पे, देख सकते हैं आप। आ रही है बातचीत, एक बार हंस दे इनने करी है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी, बहुत छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इसमें हमने काम कराया थोड़ा सा स्प्लेंडर के अंदर और बाकी रेडर के अंदर कराया, पेंट प्रोडक्शन वाली हमने फिल्म लगाई है यानी कि PPF। एंड अगर बात करें दुकान की तो दुकान रहने वाली कालका जी DDA फ्लैट्स में, सारी डिटेल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक जरूर करना। और बाकी सब्सक्राइब करना इस चैनल को भी और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना दानिश जर्नी को, क्योंकि इस टाइम मैं हूँ लद्दाख में और आपको पता है कि लद्दाख में मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो चीज़ देखने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मैं मिलता हूँ वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू ऑल, राइट हार्ट राइट सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय।